नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय रेलवे की भूमिका की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्ण टीकाकरण के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 116 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान के लिए एक समान 12% जीएसटी दर को अधिसूचित किया। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में कई नदियों में उफान के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय दल के नुकसान का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची के सही होने और न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कहा। सीएसआईआर जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में बच्चों की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ, ये देशभर में छात्रों को वैज्ञानिकों से जोड़ेगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने मलेशिया में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया के कई पुरस्कार जीते। समाचार संध्या में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं मुकेश कुमार। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको भी सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन तीन आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने अभियांत्रिकी कोर के सेप्पर प्रकाश जाधव को मरणोपरांत शांतिकाल का दूसरा उच्चतम वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम किया था। असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। स्नाइपर प्रकाश जाधव, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, फर्स्ट बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने 5 आतंकवादियों का सफाया किया और 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल और उनकी मां सरोज ढोंडियाल ने पुरस्कार ग्रहण किया। नायब सूबेदार सोमवीर को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में एक अभियान के दौरान उन्होंने एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। उनकी पत्नी और मां ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। विंग कमांडर वर्धमान अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्धमान अभिनंदन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय रेलवे की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अभूतपूर्व चुनौतियों से यात्रियों की रक्षा करने और रेल सेवाएं जारी रखने के लिए रेलवे के प्रयासों की भी सराहना की। पीपुल्स एजेंडा, पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा शुड बी पीडी डेवलपमेंट। दिस शुड बी अवर मोटो। 75th ईयर ऑफ अवर इंडिपेंडेंस इज अप्रोचिंग वेरी फास्ट। ऑन दिस ओकेशन आई कॉल अपॉन द पीपल, लुक बैक व्हाट हैपेंड, व्हाट आर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स, what are the steps that are needed to step up the development, because people want speedy development and ultimately all of us should work for creating happiness in the minds of the people।
श्री नायडू ने कहा कि आइसोलेशन डिब्बों, श्रमिक स्पेशल रेल तथा ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुविधा प्रदान करके भारतीय रेलवे ने महामारी से प्रभावशाली तरीके से निपटने में देश की मदद करने में तत्परता दिखाई। विशाखापट्टनम किरुंदुल यात्री रेलगाड़ी को रवाना करने के बाद उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टेशन पर ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी के साथ कोविड टीकाकरण में प्रगति के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण कम हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से टीकाकरण को गति देने के लिए धार्मिक नेताओं, गैर सरकारी संगठनों सहित सभी हितधारकों को शामिल करने को कहा। उन्होंने लोगों में टीका लगवाने को लेकर झिझक, गलत जानकारी और अंधविश्वास को दूर करने पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने सभी राज्य सरकारों के अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन पात्र परिवारों के घरों का दौरा कर उन्हें पूर्ण टीकाकरण के लिए प्रेरित करने को कहा। उन्होंने सभी पात्र लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर दस्तक अभियान के लिए प्रचार टोली की तैनाती करने को भी कहा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 116 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 32 लाख 99 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 8,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 12,000 से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हुए। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.31% है और पिछले मार्च के बाद सबसे अधिक है। अब तक 63 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। गुजरात में आज से पहली से पांचवी कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर से खुल गए। राज्य के शिक्षा मंत्री जीतूभाई वघानी ने पिछले हफ्ते सूरत में एक समारोह में इसकी घोषणा की थी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस फैसले के बाद मार्च 2020 में कोविड महामारी के बाद अब पहली से पांचवी कक्षा के छात्र व्यक्तिगत रूप से स्कूल जा सकेंगे। राज्य में कोविड 19 संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद स्कूल के संचालकों द्वारा प्रत्यक्ष शिक्षा शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब स्कूल के संचालकों ने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कक्षा 6 से 12 के लिए लागू मानक संचालन प्रक्रिया कक्षा 1 से 5 के लिए भी लागू रहेगी। छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति अनिवार्य रहेगी। इसी तरह ऑनलाइन शिक्षा पहले की तरह जारी रहेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली की निदेशक डॉक्टर तनुजा श्रोताओं के प्रश्न के उत्तर देंगी। इस कार्यक्रम को एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800115767 और टेलीफोन नंबर 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts #AskAIR पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी रानी गायदिनलियो के संग्रहालय की वर्चुअल माध्यम से आधारशिला रखी। इस संग्रहालय पर 15 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री शाह ने कहा कि इस संग्रहालय का निर्माण ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय के निर्माण और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने से देश के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना का संचार होगा। हमारा स्वतंत्रता संग्राम हमारे आदिजाति भाइयों के बगैर अधूरा, तो सबसे ज्यादा तकलीफें उठाकर अगर किसी ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर बलिदान दिए तो हमारे ट्राइबल समाज के, हमारे आदिजाति समाज के स्वतंत्रता संग्राम के नेता और उनकी याद में उनको चिर स्मरण करने के लिए ये जो ट्राइबल म्यूजियम बन रहा है, मुझे भरोसा है यहाँ से सालों तक देशभक्ति की प्रेरणा हमारे युवा लेते रहेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के तीन उद्देश्य हैं: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करना, प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रवाद की भावना का संचार करना और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना।
केंद्र सरकार ने मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान पर एक समान 12% वस्तु और सेवा कर की दर को अधिसूचित कर दिया है। नई दरें अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगी। कपड़ा और परिधान उद्योग लंबे समय से मानव निर्मित फाइबर मूल्य श्रृंखला पर विपरीत कर ढांचे को समाप्त करने की मांग कर रहा था। मानव निर्मित फाइबर, धागे और कपड़े पर मौजूदा जीएसटी दरें 18%, 12% और 5% थीं। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि परिधान के लिए अलग अलग दरों से कर व्यवस्था के अनुपालन में समस्या होती है। मानव निर्मित फाइबर कपड़ा क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए एक समान दर से कार्यशील पूंजी की बचत होगी। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज 37 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 742 जिलों में पहले अखिल भारतीय घरेलू कामगार सर्वेक्षण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घरेलू कामगारों की संख्या तथा अनुपात का अनुमान लगाना है। इसके द्वारा घरों में विभिन्न कार्यों में लगे घरेलू कामगारों की औसत संख्या का भी अनुमान लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने और साक्ष्य आधारित डेटा संचालित नीतियों में मदद मिलेगी। लेबर कोड पूरे देश में लागू हो रहा है, उसमें जो सोशल सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, उस सोशल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट को हमको देखना चाहिए। और कोई भी समाज तनाव रहित या मॉरल वैल्यूज पे बहुत अच्छा तब चल सकता है जब हम बहुत अच्छे ढंग से समाज के व्यापक लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हमारा जो पोर्टल तैयार करने का विषय है वो इसीलिए है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग ट्रेड में लोग काम करते हैं, उन सब तक सोशल सिक्योरिटी का दायरा कैसे पहुंचे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय रेलवे की भूमिका की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्ण टीकाकरण के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 116 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए मानव निर्मित फाइबर, धागे, कपड़े और परिधान के लिए एक समान 12% जीएसटी दर को अधिसूचित किया। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में कई नदियों में उफान के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय दल ने नुकसान का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची के सही होने और न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कहा। सीएसआईआर जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में बच्चों की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ, ये देशभर में छात्रों को वैज्ञानिकों से जोड़ेगी। और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने मलेशिया में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया के कई पुरस्कार जीते। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा है कि मतदाता सूचियों की शुद्धता और मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया।
इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा तथा समीक्षा करना था। मुख्य चुनाव अधिकारियों से कहा गया कि वे विशेषकर मतदान पंजीकरण से संबंधित लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाएं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज गोरखपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वाली डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पूर्वांचल की हमेशा उपेक्षा की थी, लेकिन अब यहां कई बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वाराणसी में काशी विश्वनाथ गलियारा, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गोरखपुर में एम्स जैसी परियोजनाएं पूर्वांचल को तेजी से विकास के पथ पर ले जाएंगी। भाजपा अध्यक्ष ने विपक्षी दलों पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज सीएसआईआर जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया। ये लैब विद्यार्थियों को देशभर के वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेगी। डॉ सिंह ने कहा कि वर्चुअल लैब का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन इंटरैक्टिव माध्यम पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शोध प्रदर्शन और नवाचार शिक्षण की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस नई सुविधा से केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सरकारी स्कूलों के छात्रों को बहुत लाभ होगा। डॉ सिंह ने कहा कि वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म के लक्ष्य दर्शक छठी से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थी हैं। मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि वह अगले 48 घंटे के अंदर सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उन पर जबरन वसूली के आरोप लगाए हैं। शीर्ष न्यायालय ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है और उन्हें जल्द सीबीआई की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को विभागों का आवंटन किया। मुख्यमंत्री ने गृह, वित्त, सूचना और जनसंपर्क सहित 10 विभाग अपने पास रखे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रताप सिंह खाचरियावास का विभाग बदलकर उन्हें खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है। हेमाराम चौधरी को वन और पर्यावरण विभाग, महेंद्र जीत सिंह मालवीय को जल संसाधन, महेश जोशी को जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वहीं रामलाल जाट को राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। रमेश मीणा को पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा, जबकि ममता उपेश को महिला और बाल विकास विभाग, भजन लाल जाटव को सार्वजनिक निर्माण विभाग, टीकाराम जूली को सामाजिक न्याय और अधिकारी तथा शकुंतला रावत को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भंवर सिंह भाटी को बिजली, राजेंद्र यादव को उच्च शिक्षा, जबकि ब्रजेंद्र ओला को यातायात और सड़क सुरक्षा, सुभाष गर्ग को तकनीकी शिक्षा, सुखराम बिश्नोई को श्रम, मुरारीलाल मीणा को कृषि विपणन और संपदा विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले नकली सामान की बिक्री रोकने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है। उपभोक्ता कार्य ने कहा है कि यह अभियान स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के अंतर्गत शुरू किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। जो लक्ष्मी बाई महारानी थी, एक बलिदानी है, योद्धा मर्दानी है, वीरांगना झलकारी बाई की अमर कहानी है। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी झलकारी बाई को, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की विश्वास पात्र और सलाहकार के रूप में 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक प्रमुख सेनानी बनकर उभरी।
झलकारी का जन्म झांसी के निकट खोजला गांव में सदोबा सिंह और जमुना देवी के घर हुआ था। झलकारी पाठशाला तो नहीं गई, लेकिन उन्हें बचपन से ही हथियार चलाने और घुड़सवारी का पाठ पढ़ाया गया था। झांसी के घर घर में उनकी वीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि एक बार जब डाकुओं ने गांव में डाका डालने का प्रयास किया तो झलकारी ने अकेले ही उन्हें भगा दिया। ये भी कहा जाता है कि जब एक बार जंगल में बाघ ने उन पर हमला करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डाला। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी किले में एक उत्सव समारोह के दौरान झलकारी को देखा तो उनमें अपने जैसी समानताएं देखकर हैरान रह गईं। जब रानी को झलकारी की बहादुरी के कारनामों के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत उन्हें सेना की महिला शाखा में शामिल कर लिया। 1858 में जब ब्रिटिश फील्ड मार्शल ह्यू हेनरी रोज ने झांसी पर हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने 4,000 सैनिकों के साथ अपने किले से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया, लेकिन उन्हें अपने ही कमांडर ने धोखा दिया जिससे उनकी हार निश्चित हो गई। अपने सेनापतियों की सलाह पर लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर चुपचाप झांसी से निकल गईं। झलकारीबाई भेष बदलकर जनरल रोज के शिविर के लिए निकली और खुद को रानी घोषित कर दिया। इससे दिन भर भ्रम की स्थिति बनी रही और लक्ष्मीबाई को बचने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। रोज ने पूछा साथ में तेरे के खतरे में हाथ, हांसी दे दो झलकारी ने कहा ये बारंबार। झलकारीबाई अपनी रानी की रक्षा करते हुए और अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए 4 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। रोज कहे यदि ऐसी होए एक फीस दीना, छोड़ के नीचे ही जाएंगी ये ब्रिटिश सरकार। झलकारीबाई की वीरता ने लाखों लोगों के अनुकरण के लिए एक समृद्ध विरासत छोड़ी है। ग्वालियर में सम्मान स्वरूप उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। 2001 में भारत सरकार ने झलकारीबाई को श्रद्धांजलि देने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। अपने लोगों और अपने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाली इस महान योद्धा को हमारा सलाम। आज हम राष्ट्रवादी शांति घोष की जयंती भी मनाते हैं, जिनका जन्म 22 नवंबर 1916 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। शांति घोष कोमिला में छात्री संघ की संस्थापक सदस्य थीं और क्रांतिकारी संगठन जुगंतर पार्टी में शामिल हो गई थीं। 16 वर्षीय शांति घोष अपनी हम उम्र सुनीति चौधरी के साथ 14 दिसंबर 1931 को कोमिला के जिला मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस को क्रिसमस से पहले कैंडी और चॉकलेट पेश करने के बहाने उनके कार्यालय गईं। स्टीवंस ने कैंडी खाई और कहा ये स्वादिष्ट है। घोष और चौधरी ने शॉल के नीचे छिपाई गई पिस्तौल निकाली और कहा अच्छा ये कैसी है मिस्टर मैजिस्ट्रेट, और इसके साथ ही उन्होंने मैजिस्ट्रेट पर गोली चला दी। दोनों लड़कियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और खड़गपुर के हिजली डिटेंशन कैंप भेज दिया गया। हालांकि 1939 में महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच आम माफी के बारे में वार्ता के परिणाम स्वरूप उन्हें 7 साल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया था। अपनी रिहाई के बाद घोष ने बंगाली महिला कॉलेज में दाखिला लिया और राजनीति में शामिल हो गईं। वे 1952 से 1962 और 1967 से 1968 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद की सदस्य रहीं। वे 1962 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य रहीं। शांति घोष 1989 में अपनी मृत्यु तक देश की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान देशभक्त को सलाम करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं।
हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज श्रीनगर के राजबाग में एक नया आयकर भवन सह आवासीय परिसर द चिनार का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि नए कार्यालय परिसर और आयकर सेवा केंद्र की स्थापना से करदाताओं को जन भागीदारी की भावना से बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत इस केंद्र शासित प्रदेश में कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं और आने वाले समय में भी लोगों के समग्र विकास के कई कार्य किए जाएंगे। Development has always been at its bare minimum. So when the Prime Minister's goal or that guiding principle is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, you have all the Prayas, you have all the Vishwas and that is where it is important now for J&K post the abrogation of 70 to get that which has been denied to the common Kashmiri citizen. The facilities, the development, and therefore make all his aspirations come true. मत्स्य पालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज कहा कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्व व्यापार संगठन की बैठक में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए सब्सिडी वापस लेने के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। केरल में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में मछुआरों के जीवन के उत्थान के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। मछली पकड़ने वाले समुदाय के लाभ के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आंध्र प्रदेश में वर्षा की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन रायलसीमा क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति अभी गंभीर है। रायलसीमा में पापअग्नि, चित्रावली और पेन्ना नदियां उफान पर हैं। हालांकि यह क्षेत्र कम वर्षा के लिए जाना जाता है। लोग इस बेमौसम वर्षा से परेशान हैं। तिरुपति और तिरुमाला इस समय सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव राजीव शर्मा के नेतृत्व में केंद्र सरकार का एक दल आज दूसरे दिन तमिलनाडु के बाढ़ग्रस्त जिलों का दौरा कर रहा है। 7 सदस्यीय अंतर्विभागीय दल ने कल शाम चेन्नई पहुंचकर वर्षा से हुए नुकसान का आकलन दिया। ये दल केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें भी देगा। ये दल कल राज्य के उत्तरी और दक्षिणी जिलों में जाएगा और 2 दिन आकलन कर बुधवार को दिल्ली वापस आकर नुकसान और मॉनसून से उत्पन्न स्थिति पर रिपोर्ट देगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी को हाल में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कार मिले हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ को प्रकृति के साथ नैतिक और सतत संबंध श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम डीईए फिनिक टीवी को लीडिंग द वे को लिविंग वेल विद सुपर डायवर्सिटी श्रेणी के तहत पुरस्कृत किया गया है। आकाशवाणी की श्रृंखला लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइफ विशाखापट्टनम में समुद्र तट पर रहने वाले मछुआरा समुदायों के जीवन की खोज करती है। यह कार्यक्रम दिल्ली में आकाशवाणी के कार्यक्रम कार्यकारी मोनिका गुलाटी ने तैयार और निर्मित किया था। डीईए फिनटली रीडिंग द वे एक दिव्यांग बच्चे की प्रेरक यात्रा के बारे में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सैन्य कर्मियों को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण से सम्मानित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय रेलवे की भूमिका की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूर्ण टीकाकरण के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 116,87,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए मानव निर्मित फाइबर धागे कपड़े और परिधान के लिए एक समान 12% जीएसटी दर को अधिसूचित किया। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में कई नदियों में उफान के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर। तमिलनाडु में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय दल ने नुकसान का जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को मतदाता सूची के सही होने और न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कहा। सीएसआईआर जिज्ञासा कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में बच्चों की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही
समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।